कोरोना की वजह से सारी स्कूलें बंद हैं, बच्चे अपने घरों में रह करके ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं नामकुम के राजेश जी। ये अपने कार को ही स्कूल बना दिए हैं, अपने कार में ही वो ब्लैक बोर्ड लेकर चलते हैं, दरी लेकर चलते हैं, सैनिटाइजर लेकर चलते हैं और मास्क लेकर चलते हैं। इलाके के अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग दिन बच्चों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर इसी तरह की चौपाल के माध्यम से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये देखिए कार है, इनकी कार है ये। अभी स्कूलों में शिक्षक को सिर्फ इसलिए आने के लिए कहा जा रहा है कि वो ऑफिशियल वर्क को पूरा करें, लेकिन राजेश जी ने ठाना कि हम ऑफिशियल वर्क तो करेंगे ही, साथ ही बच्चों के पढ़ाई को भी बाधित नहीं होने देंगे और उसी में से वो समय निकाल करके, ये देख सकते हैं कि कार में किस तरह से ब्लैक बोर्ड लगाते हैं, बच्चे को सामने बिठाते हैं और फिर वो पूरी तरह से उन्हें उनके डाउट को भी क्लियर करते हैं और उनके पाठ्यक्रम को भी पूरा कराते हैं। राजेश जी हैं, इनसे ही हम जानते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। जी सर। राजेश जी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके मन में, क्योंकि अगर सब कुछ प्रभावित हुआ है कोरोना में तो सबसे अधिक बच्चों की पढ़ाई, तो ऐसे में कैसे आप कोशिश किए, कैसे हिम्मत जुटाए जो नहीं बच्चों को इकट्ठा किया जाए, पढ़ाया जाए? सर, हमारे विद्यालय में क्या मतलब पूरे इस कोरोना काल में कक्षाएं बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो उस परिस्थिति में ये ऑनलाइन क्लास जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उसका ये पूरा लाभ नहीं ले पा रहे थे सर। और इसका कारण ये है कि बहुतों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, बहुतों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसको रिचार्ज करने के पैसे नहीं हैं, बहुतों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो मम्मी पापा रखते हैं, बच्चों को नहीं देते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो जब हम YouTube पे इनको एजुकेशनल मटेरियल भेजने लगे अपना, हम YouTube में हम 100 वीडियो बनाए अपना करीब, और उनको जब भेजने लगे तो उसका लाभ ही लोग बहुत कम लोगों को मिला। तब हमने ये सोचा कि क्यों ना अपनी गाड़ी को ही हम स्कूल बनाए, चलंत स्कूल, मोबाइल स्कूल, और उसी में हम वाइट बोर्ड खरीद लिए, मार्कर खरीदे, है ना, इस तरह से, और मास्क और सैनिटाइजर सारा चीज़ हम रखते हैं। गाड़ी के पीछे में डिक्की में दर्री भी रखते हैं, दर्री निकाल करके बिछा देते हैं और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हमको हम देखें कि इससे हमारे बच्चे जो हैं बहुत आनंदित महसूस करते हैं और बहुत ही खुश होकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में भी हमने इन बच्चों और शिक्षा के बीच जो गैप था उस गैप को हमने पूरी तरह से भर दिया और इनको हमने पढ़ाई से, एजुकेशन से जोड़े रखा, और इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है सर। जी, आप कितने दूर से चलकर आते हैं, क्या इस इलाके के अलग अलग जगहों पर बच्चों को कैसे इकट्ठा करते हैं, पहले से क्या इन्फॉर्मेशन है या शेड्यूल बना? देखिए, वैसे तो मैं और मांझी प्रखंड के कुचू ग्राम का रहने वाला हूँ, लेकिन हम अभी तत्काल में करीब बरियातू से आ रहे हैं, 25 यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ता है सर। तो रोज़ हम आते हैं और इन लोगों को हम पढ़ाते हैं। इसका एक व्यापक, सबसे बड़ा व्यापक जो प्रभाव है सर, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ये किशोरावस्था में इनको कोई मार्गदर्शन देने वाला घर में नहीं है, तो ये भटकाव से इनको बचाने में हम सफल हुए, पहला। दूसरा है कि जो जिन बच्चियों का पढ़ाई छूट जाता है तो गांव में क्या होता है कि अभी 8वां क्लास तक पढ़ ली, अब पढ़ाइयों छूट गया, इसका जल्दी शादी ब्याह कर दो, ऐसा है ना जी। तो इसलिए उससे भी, बाल विवाह से भी इन लोगों को हम बचाने में कामयाब हुए। कितने बच्चों को अभी आप पढ़ा? दूसरा, अभी तो सर, अभी तो वैसे तो हमारे विद्यालय में कुल बच्चे हैं 430, तो इस मोहल्ले में यहाँ पर करने से क्या हो रहा है कि यहाँ ये सेंट्रलाइज हो जाता है, तो यहाँ पर कुटियातू के बच्चे, सहरा के बच्चे, पिंडारकोम के बच्चे, डहू टोली के बच्चे, कुदासूद के बच्चे,
तेतरी के बच्चे, इस या आसपास के माल्टी के बच्चे, मतलब ये चार मतलब सब तरह का ये सेंटर है, तो यहाँ पे हमको सहूलियत होती है पढ़ाने में। ये कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया कि कार में ही ब्लैक बोर्ड लगाया जाए, इसी को हम सर, ये तो हमको खुद समझ में नहीं आया, लेकिन हमने शुरू कर दिया। अब कैसे आ गया कि कार में, ऐसा है कि हम सोचे कि बोर्ड अब कहाँ लगाएं, तो सबसे बेहतर है कि कार में सब व्यवस्था रहेगी तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो एक एक मतलब ऐसे ही चलते फिरते मतलब ऐसे ही हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं था कि कुछ प्लान करके, बस एक भावना। देखिए सर, अच्छी अगर आपके अंदर अगर भावना अच्छी हो तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं। क्या बच्चों का डॉट जो होता है वो क्लियर होता है यहाँ पे, वो पूछ पाते हैं सामने होके? ऑनलाइन में क्या ये सब समस्या रहती है? नहीं, ऑनलाइन में दिक्कत हो जाता है सर, उसमें एक बच्चे बोल नहीं पाते हैं कि वो कुछ भी नहीं पाते हैं, और एक बताइएगा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर हर बच्चा को अलग से ही बता सकते हैं ताकि उनका सही से पढ़ाई हो सकता है। बिल्कुल, हम बच्चों से भी जानते हैं, कितना अच्छा लगता है सर किस तरह से पढ़ाते हैं यहाँ, एक जगह पढ़ने में अच्छा लगता है या फिर घर में ऑनलाइन पढ़ते थे वो अच्छा? अकेले में पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, सबको साथ में दोस्त सबसे बैठ के पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छा लगता है या पढ़ाई भी सीखते हैं कुछ? पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छा से इधर समझ जाते हैं, घर में अकेले समझ भी नहीं आता, इधर पूछ के भी समझ सकते हैं। कितने दिन पढ़ने आते हैं? हम 2-3 दिन से आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पर पढ़ने में? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा लगता था लगता है या फिर ऑनलाइन पढ़ाई में? यहाँ अच्छा लगता है, ऑनलाइन में हम लोग को समझ नहीं आता है। नो सर, सर पूछते थे लेकिन जितना ये सर पढ़ाते हैं ना यहाँ वही समझ आता है थोड़ा। सर का क्या अच्छा लगता है? क्योंकि सर से हम लोग पूछते हैं तो सर लोग सर हमको बताते हैं, अभी प्यार से बताते हैं, ऑनलाइन से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना मम्मी पापा लोग को, इसीलिए। मोबाइल है घर में? मोबाइल तो नहीं है। नो सर। फिर कैसे पढ़ते थे? ऐसे ही यहाँ चबूतरा में सर हम लोग को बैठाते थे और पढ़ाते थे। नो सर, मम्मी पापा लोग लेके चले जाते थे काम करने के लिए। पापा पुट्टी और पेरिस करते हैं। मेरा नाम खुशी है, 6 में। आपको क्या ऑनलाइन में अच्छा लगता था या फिर अब अच्छा लगता? अब यहाँ पे सब अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, इसीलिए। घर में मोबाइल था ऑनलाइन जब पढ़ाई कर? हाँ, वहाँ आधा घंटे 1 घंटे जैसे तो जल्दी ले लेते थे दादू, या कहीं जाना रहता था इधर उधर तो इसीलिए ले लेते थे दादू जल्दी। मम्मी पापा आने से यहाँ रोकते भी? यहाँ मेरा नानी घर है यहाँ। नहीं तो देखिए आप कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं, और अभी यह पाठशाला जो है वो जारी है। तो बच्चों को जो डाउट होते थे वो ऑनलाइन में क्लियर नहीं हो पाते थे, लेकिन अब जब घर के पास पाठशाला पहुंच चुका है तो अब बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। जिस तरह से कोरोना में पढ़ाई थम सी गई थी, अब फिर से एक बार राजेश जी के प्रयास से और इस स्कूल के और शिक्षकों के प्रयास से जो है शिक्षा बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ रही है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप तेतरी।